आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर से बड़ा अपडेट आप जानिए, जहां पर पटनी टॉप में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ की खबर है। सेना और पुलिस की टीम ने इलाके में घेराबंदी पूरी तरह से कर दी है। पटनी टॉप मुठभेड़ में 3 आतंकी जख्मी हो गए हैं, जो जानकारी अभी की है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद यहां से हुआ है। M4 कार्बाइन भी बरामद होने की खबर यहां पर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से, जहां एक और मुठभेड़ की खबर है। पटनी टॉप में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में ये मुठभेड़ की खबर, जहां पर 3 आतंकी जख्मी भी हो गए हैं, साथ ही साथ भारी मात्रा में इनके पास से गोला बारूद भी मिला है। यानी साफ है, इनके गलत इरादे थे। बड़ी मात्रा में इनके पास से हथियार मिले हैं, गोला बारूद मिले हैं, M4 कार्बाइन भी यहां से इनके पास से बरामद होने की खबर है। अब यहीं से इन 3 जो जख्मी आतंकी हैं, पूछताछ भी सुरक्षा बल के जवान करने वाले हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन जुटाई जाएगी। ये तब हुआ है जब कल ही 15 अगस्त भी देश मनाने की तैयारी कर रहा है। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ में। अजय, पिछले कुछ दिन में मुठभेड़ तेजी से बढ़ी है, इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। पटनी टॉप से ये खबर, 3 आतंकी जख्मी हुए, बड़ी मात्रा में हथियार, M4 कार्बाइन भी है, वो भी 15 अगस्त से ठीक पहले, इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखें। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि पटनी टॉप डोडा जिले का वो इलाका है जहां पर बीते कल जो है सुरक्षा बलों को कुछ आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी मिली थी। जो ताजा जानकारी इंडिया न्यूज को मिली है उसके मुताबिक जो 4 से 5 आतंकियों का ग्रुप जो है वहां पे ट्रैप्ड है उनके कब्जे से, क्योंकि जब रात को फायरिंग हुई थी तो भारी गोलाबारी जो है फौज ने की, सेना ने की, जिसके बाद 3 आतंकी जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। और इंडिया न्यूज के पास वो तस्वीर भी है जिसमें M4 कार्बाइन राइफल जो है वो देखी जा सकती है। M4 कार्बाइन राइफल वो ऑटोमेटिक वेपन है जो पिछले कुछ समय से लगातार आतंकियों के पास से मिल रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने ये राइफल्स, ये वेपन जो है वो आतंकियों को मुहैया करवाए हैं। और जो आतंकियों के ग्रुप जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, उनका जो कमांडर होता है, लीडर होता है, उनके पास ये हथियार जो है वो है। 3 बैग भी उस जगह से मिले हैं जहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। जो जानकारी है, ड्रोन फुटेज जो जिसमें सामने आई है, जिसके मुताबिक लगभग 3 आतंकी जो है एक जगह पर गिरे हुए हैं। वो या तो मारे गए हैं या फिर वो जख्मी है, क्योंकि वहां पर ब्लड स्टेन जो है वो काफी इलाके में देखे गए हैं। वहीं एक पिस्टल और M4 कार्बाइन राइफल के साथ साथ 3 बैग जो है वो बरामद किए गए हैं। और इन बैग के भीतर जो है वो क्या चीजें हैं उसका भी थोड़ी देर बाद खुलासा होगा, क्योंकि बम स्क्वाड की निगरानी में उसको खोला जाएगा। वहीं ऑपरेशन लगातार जारी है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी के सभी आतंकी जो हैं उनको ढेर किया जा सके। और बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार पिछले कुछ समय में जो आतंकी गतिविधियां चल रही थी, आतंकी बैक टू बैक टारगेट करके सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे थे। चाहे वो छत्रगला का इलाका था जिसमें सेना के एक टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस पर हमला हुआ, चाहे वो देसा में जहां पर भारतीय सेना की टुकड़ी पर हमला करके 4 जवानों को शहीद किया गया, तो उस कड़ी में जो है एक सफलता सुरक्षा बलों को की। 3 आतंकियों के जख्मी, अभी हम जख्मी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी बॉडी रिट्रीव नहीं की गई है, मगर 3 आतंकी जो है, जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक 3 आतंकी जो है यहाँ पर जख्मी हैं और 2 आतंकी और हो सकते हैं जिनको मार गिराने के लिए कवायद जारी है। लगातार बारिश हो रही है और कोशिश ये कि बारिश के बावजूद ये आतंकी यहाँ से भागने ना पाए। M4 कार्बाइन राइफल और पिस्टल जो है 3 बैग्स के साथ बरामद कर ली गई है। आपने कहा कि 3 आतंकी जख्मी हैं, अभी उनके ढेर होने की खबर इसलिए नहीं है क्योंकि शव अभी अपने कब्जे में नहीं लिया है। 2 और आतंकी हैं, उन तक भी पहुंचने की कोशिश, यानी कुल मिलाकर यहाँ 5 आतंकी हुए। जिस हिसाब से इनके पास से गोला बारूद और हथियार मिले और M4 कार्बाइन जिसका आपने जिक्र किया, वो अभी पिछले दिनों भी मिला था, तब भी आपने M4 कार्बाइन की खासियत बताई थी और कहा था कि आज की डेट में जो आतंकी भारत की सीमा में दाखिल हो रहे हैं या फिर यहाँ पर अलग अलग गतिविधियों में इन्वॉल्व पाए गए हैं, उनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं जिनमें M4 कार्बाइन भी है। अभी कितना वक्त और लग सकता है, और आपने कहा लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश के चलते कुछ चैलेंजेस भी आ रहे होंगे अजय? देखिए, घने जंगल का इलाका है और जिस तरीके का ये टेरेन है, पहाड़ी इलाका, वहां पर सुरक्षा बलों को एक चीज को सुनिश्चित करना है कि कोई नुकसान अपना ना हो, दूसरी अहम चीज कि वहां पर सिविलियन की कोई अगर मूवमेंट होगी तो उनको नुकसान ना हो, और उसके साथ साथ बारिश में इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि आतंकी जंगल का फायदा उठाकर भागे ना, क्योंकि पूरी रात वहां पर कॉर्डन लगा के रखा गया
और अब जब ड्रोन के जरिए और तमाम चीजों के जरिए उस इलाके में नजर जो है देखा गया, उसको इलाके को देखा गया, तो उसमें 3 आतंकी जो है एक जगह पर छुपे हुए मिले हैं, या वो मारे गए हैं या फिर वो गंभीर रूप से जख्मी हैं, क्योंकि ब्लड स्टेन जो है वहां पे मिले हैं। दूसरी चीज की इलाका कठिन है, ऐसे में सेना को कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन में पहले बहुत नुकसान सेना उठा चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस इस ऑपरेशन में लगातार सेना के साथ बनी हुई है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये सभी के सभी आतंकी मारे जाएं, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को करके 15 अगस्त के मौके को जो है यहाँ पर बड़ा कोई नुकसान करने का प्रयास ये आतंकी कर रहे थे, मगर समय रहते जानकारी मिली और उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किए गए, जिसके बाद सफलता सुरक्षा बलों को मिलती दिख रही है। 15 अगस्त को लेकर बहुत से इनपुट्स मिले, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने जगह जगह सर्च ऑपरेशंस चलाए, और ऐसे में ये भी एक बड़ा ऑपरेशन अभी सेना के जवानों के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। अजय, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।